व्हाट्सअप एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे मेरे यूट्यूब के फर्स्ट पेमेंट के बारे में। टाइटल और थंबनेल से आपको पता चल गया होगा कि मेरा फर्स्ट पेमेंट जो है यूट्यूब से आ चुका है मेरे बैंक अकाउंट में। तो आप खुशी देख सकते हो, जो ये फर्स्ट वाली खुशी होती है ना, आप समझ पाओगे जब आप कुछ इस तरह का की होगे या फिर करोगे। तो फाइनली यूट्यूब ने फर्स्ट पेमेंट जो है उसको सेंड कर दिया है। तो मैं आज के इस वीडियो में अपने यूट्यूब जर्नी के बारे में आप लोगों को बताने वाला हूँ, कब मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया, किस तरह से मैंने यूट्यूब को यूटिलाइज़ किया, और फिर से मैं आप लोगों के लिए जो वीडियोज़ बनाता हूँ एजुकेशनल कैटेगरी में क्यों चूज़ कर रहा हूँ या फिर किया हूँ, और मेरा जो फर्स्ट वीडियो वो कौन सा वायरल हुआ था उसके बारे में बात करेंगे। साथ में बैंक अकाउंट में मेरा पैसा कैसे आया, एडसेंस से मैंने किस तरह से लिंक किया, और सारी चीज़ें बातें करेंगे आप लोगों के साथ। तो सबसे पहले आप सभी को बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने ये सपोर्ट किया कि मेरा ये फर्स्ट पेमेंट आ सका। तो आप जब चैनल को सब्सक्राइब करते हो, आप जब वीडियोज़ को देखते हो, तो हमारा जो चैनल है उसमें सब्सक्राइबर बढ़ते हैं, व्यूज़ बढ़ते हैं, जिसके बाद हमारा चैनल मोनेटाइज होता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो भी मेरे यूट्यूबर्स भाई हैं या फिर जो भी यूट्यूब के लिए वीडियोस बनाना चाहते हैं, तो यूट्यूब पे कुछ क्राइटेरिया है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो यूट्यूब पे चार क्राइटेरिया है। सबसे पहले जो आपका 1000 सब्सक्राइबर हो जाएगा उसके बाद आपका यूट्यूब चैनल मोनेटाइज होने के लिए एलिजिबल होगा। और 4000 वॉच टाइम आवर्स, आपके 12 महीने में कम से कम 4000 वॉच टाइम आवर्स होने चाहिए और 1000 सब्सक्राइबर होना चाहिए। ये यूट्यूब की गाइडलाइंस और पॉलिसीज है। उसके बाद आप यूट्यूब एडसेंस अकाउंट को सेटअप कर पाओगे। मैं आपको बता दूँ, मैंने जो यूट्यूब जर्नी स्टार्ट की थी वो लगभग स्टार्ट की थी मार्च में 2018 में। तो उस टाइम मैं उतना सीरियस नहीं था। और मैंने ये स्टार्ट कहाँ से किया, तो मैं JS फिल्म से, आप जानते होंगे मोटो ब्लॉगर है, तो वहाँ से मैंने इंस्पायर होकर यूट्यूब चैनल ओपन किया था। वो वीडियोस बनाते थे तो मुझे भी अच्छा लगा, मैं भी सोचा कि मैं भी शेयर करता हूँ मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है। मेरे पास तो ब्लॉगर वाला सेटअप, मतलब सेटअप कह लो या फिर वीडियोज़ कह लो, ब्लॉगर वाला तो मैं वीडियो नहीं बना सकता। मैंने एजुकेशनल कैटेगरी चुना क्योंकि मैं एक स्टूडेंट हूँ और आप भी स्टूडेंट्स हो जो मेरे वीडियोज़ को देखते हो। तो मैंने स्टूडेंट्स के लिए इन्फॉर्मेशन देना स्टार्ट किया, वो भी JEE मेंस और इंजीनियरिंग के लिए। तो मेरा वही टॉपिक था और उसी के ऊपर मैंने लगातार वीडियोस बनाया, और आज एक ना एक दिन मेरा यूट्यूब चैनल मोनेटाइज होके मेरा पेमेंट आ चुका है। तो जो भी भाई हमारे यूट्यूब के लिए वीडियोस बनाना चाहते हैं, अर्निंग करना चाहते हैं, वो यूट्यूब पे आ सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको पेशेंस रखना होगा, इतनी जल्दी आपको अर्निंग नहीं होगी। मैं अपनी बात करूँ तो मैं 2018 में चैनल को क्रिएट किया था मार्च के समय, उस समय से मैं वीडियोस बना रहा हूँ। आप अगर सोशल ब्लेड पे देखोगे तो मेरा 2013 दिखाता है, 2013 दिखाता है, लेकिन मैंने 2018 से वीडियोस बनाना स्टार्ट किया। 2018 मार्च से मैं क्या करता था, स्लाइड्स बना के उसके बाद वीडियोस को पब्लिश करता था। देख सकते हो आप, मैंने ना कोई वॉइस था ना कोई कैमरा था, तो उस तरीके से मैंने स्टार्ट किया। फिर मैंने 2018 ही में लगभग अगस्त सितंबर में थोड़ा सा अपना वॉइस देना उसमें स्टार्ट किया। तो वॉइस देना स्टार्ट किया तो कुछ व्यूज़ आने लगे, व्यूज़ बढ़ने लगे, तो अच्छा लगने लगा मुझे। फिर मैंने लगातार बनाता गया। फिर एक दिन मैं आपको बताऊँ, ऐसा हुआ कि एक मेरा वीडियो था, जब शुरुआती दिनों में आप स्टार्ट करोगे तो व्यूज़ बिल्कुल नहीं आएंगे, तो इससे आपको घबराना नहीं है, पेशेंस रखना है। तो मेरा एक वीडियो था जो कि मैंने पब्लिश किया था 28 जनवरी को, मैं आपको शो कर दूंगा स्क्रीन पे 28 जनवरी को, जिसमें जैसे कि देख सकते हो मिनिमम रैंक टू गेट NIT आप परसेंटाइल से रैंक निकाले, तो ये वाला वीडियो मैंने पब्लिश किया था। और इसके बाद इस वीडियोस पे जो टोटल अभी व्यूज़ है 30,000 के व्यूज़ हैं, ज़्यादा व्यूज़ नहीं है, लेकिन उस समय मेरे लिए बहुत था क्योंकि उस समय ये वीडियो वायरल हुआ। जैसे ही वीडियो वायरल हुआ तो मेरे 1000 सब्सक्राइबर भी पूरे हो गए, और एक साल के बाद मेरा जो मोनेटाइजेशन है उसके लिए भी मैं एलिजिबल हो गया। मोनेटाइजेशन की बात करूँ तो आप जो है एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू से कमा सकते हो सुपर चैट सुपर स्टिकर। तो मैं अभी मेरा ना चैनल मेंबरशिप है, ना मर्चेंडाइज है, ना प्रीमियम रेवेन्यू है, अभी सिर्फ मेरा एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू के थ्रू मैंने ये जो पैसा है वो कमाया है अपने एडसेंस पे, और उसको अकाउंट में ट्रांसफ़र किया गया। अभी तक मैंने कोई लाइव सेशन भी नहीं किया, बहुत जल्दी करने वाला हूँ, फ्यूचर में ज़रूर से मैं करूँगा। तो इस तरीके से कुछ मेरा जर्नी रहा। उसके बाद बात करें यूट्यूब वीडियोज़ की, तो मैं लगातार आप लोगों के लिए वीडियोज़ बनाता हूँ। तो अब बात करें वीडियोज़ की, तो मैं लगातार आप लोगों के लिए वीडियोज़ बनाता हूँ। वीडियोज़ पे व्यूज़ कभी कम आते हैं कभी ज़्यादा आते हैं, लेकिन आपने ठान लिया है कि मुझे यूट्यूब के लिए वीडियोज़ बनाना है, तो आपको लगातार ये करते रहना होगा, तभी आप सक्सेसफुल हो पाओगे। तो इस बात का ध्यान रखना, कभी डिमोटिवेट मत होना, और ये मत सोचना कि मैं यूट्यूब पे आया हूँ तो सिर्फ पैसा कमा लूँ। पैसा ज़रूर से आप कमाओगे, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा आपको, उतना भी अर्निंग आपका नहीं होगा जितना लोग सोचते हैं।
तो रियलिटी कुछ और है और सोचते लोग कुछ और है। तो मैंने भी यही सोचा था कि यूट्यूब पे जब मुझे आना है तो मैंने ये नहीं सोचा था कि मुझे पैसा कमाना है। पैसा तो आप ज़रूर से कमाओगे लेकिन आपको मेहनत भी करनी होगी उसी तरीके से। तो जैसे ही आप मेहनत अच्छे तरीके से करने लगोगे आप पैसा ज़रूर से कमाओगे। उसके बाद क्या हुआ, एक दिन मैं आपको बताऊँ, 27 मार्च 2019, उससे 5 दिन पहले मेरा चैनल गया हुआ था रिव्यू में मोनेटाइज के लिए। तो 27 मार्च 2019 को सुबह के 3:07 पे मुझे एक मेल आया कि योर चैनल इज मोनेटाइज, कॉन्ग्रेचुलेशन, योर यूट्यूब चैनल पल्लव आंसू फिल्म हैज एक्सेप्टेड इनटू द यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम एंड इज नाउ एबल टू मोनेटाइज यूट्यूब। तो ये यूट्यूब में ऑटोमेटिक चले जाता है और उसकी तरफ से आपको मेल आता है, आपको पता चलता है कि आपका जो YouTube पार्टनर प्रोग्राम है वो सक्सेसफुली अप्रूव्ड हो गया। तो मेरा 5 दिन लगा था इसके लिए और ये अप्रूव्ड हो गया। मैंने कोई आलतू फालतू के वीडियोस नहीं डाले, सारे एजुकेशनल वीडियोस डाले। तो इस बात का आप ध्यान रखना, आप जो भी कंटेंट बनाते हो आप अच्छे से बनाओ, वॉइस वाला बनाओ या वीडियो वाला बनाओ, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आपका कंटेंट जेन्युइन होना चाहिए। और कोई भी जो आप डाउनलोड करके अपलोड करोगे या फिर किसी का कॉपी करके अपलोड करोगे तो उस पर आपका मोनेटाइज नहीं हो पाएगा, इस बात का आप ध्यान रखना। पूरी तरीके से आप किसी का कॉपी नहीं कर सकते हो, अगर आप कॉपी करते हो तो यूट्यूब गाइडलाइंस और पॉलिसी के ये खिलाफ है, तो आपका चैनल इससे डिमोनेटाइज भी हो सकता है अगर मोनेटाइज रहेगा तो। इस बात का ध्यान रखना आप कि कोई भी आप वीडियोस बनाते हो तो वो कॉपी नहीं होना चाहिए। उसके बाद 27 मार्च 3:07 मैंने एक बार अपना मेल चेक किया। उस समय मैं कुछ काम कर रहा था और यूट्यूब से रिलेटेड, तो मैंने चेक किया तो देखा कि मेरा चैनल मोनेटाइज हुआ। तो उस दिन मुझे इतनी खुशी हुई कि मैं आपको बता नहीं सकता, ये खुशी एकदम अलग टाइप की होती है। तो मैं एकदम उसके बाद और मोटिवेट हुआ, फिर करता गया और आप लोग का सपोर्ट बहुत अच्छा था उस समय। सो वंस अगेन थैंक यू सो मच। तो इसी तरीके से आप सपोर्ट दिखाते रहना। उसके बाद बताऊँ आप लोगों को, तो उसके बाद जब आपका $10 होता है तो एडसेंस में उसके बाद आपको एक पिन भेजा जाता है। तो मुझे भी पिन भेजा गया और मेरे घर के एड्रेस पे पिन आ गया। फिर मेरे फादर मदर ने उसको चेक किया और मुझे बताया, तो मैंने वो डाल दिया, तो मेरा सक्सेसफुली वेरीफाइड हो गया। उसके बाद आपको पता है कि यूट्यूब मतलब जो एडसेंस है उसको अप्रूवल के लिए आपका आईडी प्रूफ डालना पड़ता है उसमें। तो आप मैंने वो भी सभी चीज़ कर दी। उसके बाद अगला कदम जो है वो पेमेंट लेने के लिए आपको स्विफ्ट कोड और अपना बैंक अकाउंट डिटेल्स डालना पड़ता है। तो बैंक अकाउंट डिटेल्स तो सभी लोगों को पता है लेकिन स्विफ्ट कोड क्या होता है, तो स्विफ्ट के कोड के बारे में बताओ। जो भी फॉरेक्स ट्रांजेक्शन होता है उसके लिए स्विफ्ट कोड होना जरूरी है। तो सभी ब्रांच के पास स्विफ्ट कोड नहीं होता, हर स्टेट में 2 या 3 अवेलेबल होते हैं स्विफ्ट कोड ब्रांच जिसके थ्रू आप इजीली पेमेंट मंगवा सकते हो। तो मेरा SBI में अकाउंट था तो मैंने उस बैंक में जाके स्विफ्ट कोड वहाँ से पता किया और स्विफ्ट कोड उन्होंने दिया और वो मैंने स्विफ्ट कोड डाल दिया। उसके बाद पेमेंट की बात करें तो पेमेंट में मुझे लग गया लगभग, मैं आपको बताऊँ, 21 अगस्त 2020 को मुझे मेल आया और उस समय मेरे जितने भी डॉलर्स थे, आपको पता है $100 हो जाते हैं उसके बाद आपका पेमेंट ट्रांसफ़र किया जाता है। तो उसमें लिखा गया है चेक योर रीसेंट पेमेंट, वी सेंट अ पेमेंट फॉर योर एडसेंस अर्निंग ऑन 21 अगस्त 2020। तो आपको पता है जो पेमेंट ट्रांसफ़र किया जाता है एडसेंस से वो 21 अगस्त के बाद किया जाता है। तो कुछ इस तरीके का मेल आया, फिर मैं वेट कर रहा था कि आ जाएगा। उसमें लिखा हुआ था कि 5 दिन बाद मेरा पेमेंट आएगा। तो 21 से अगर 5 दिन कैलकुलेट करें तो 26 तारीख होता है, तो 26 तारीख को भी पेमेंट नहीं आया लेकिन मैं वेट करता गया कि पेमेंट ज़रूर से आएगा मेरा। तो 28 अगस्त 2020 को मेरा फॉरेक्स ट्रांजेक्शन $104.55 का पेमेंट आ गया मेरे बैंक अकाउंट में। तो उस दिन तो एकदम भयंकर खुशी हुई और आप सभी को हाथ जोड़ के धन्यवाद कि आपने इतना सपोर्ट किया इस चैनल को कि आज मैं ये पेमेंट ले सका हूँ। तो कुछ इसी तरीके से मेरा YouTube का जर्नी रहा और आप लोगों ने साथ निभाया, इसी तरीके से सपोर्ट करते रहो। और जो भी है इस वीडियो को जरूर से लाइक और शेयर जरूर से कर देना, मैं स्क्रीन पे शो कर दूंगा आप लोगों को पेमेंट की, मेरा ये पेमेंट आ चुका है। और इस पेमेंट का मैं क्या करूंगा मैं फ्यूचर में आपको ज़रूर से बताते रहूंगा वीडियोस के जरिए। तो चैनल को ज़रूर से सपोर्ट करना और आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी जाके ज्वाइन कर सकते हो, वीडियोज़ की अपडेट सबसे पहले आपको वहाँ पर मिल जाएगी। सो यही कुछ बताना था आप लोगों को जो कि स्टार्टिंग से लेकर अभी तक हुआ है मेरे यूट्यूब, आप हमारे चैनल के पार्ट हो इसलिए आपको बताना जरूरी था। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।